Hello everyone, how are you all? Welcome to the next chapter from your science book. Today we are going to start with chapter 13, that is air, water and weather. So let's see what we have in this chapter. Air is all around us, but we cannot see it. We can feel air only when it moves. Moving air is called wind. So jo air move karti hai, jo chalti hui hawa hoti hai, usko hum kya bolte hain? Usko hum wind bolte hain. और जो बहुत धीरे धीरे मूव करती है, जेंटली भी मूव करती है, उसे हम ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। और बहुत तेज तेज जब आंधी आ जाती है तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द लेयर एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ को एक लेयर सराउंड कर रही है, जिसे हम एयर की लेयर बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेस। तो एयर बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। एयर स्पेस लेता है और मास भी। एयर के अंदर ऑफ कोर्स मास होगा कुछ ना कुछ, और इट टेक्स स्पेस, इट ऑलवेज ब्लोस, ठीक है। तो जो एयर है वो हमेशा ब्लो करती रहती है। एयर ऑलवेज कीप्स ब्लोइंग, ओके। आगे देखेंगे यूजेस ऑफ एयर, कि एयर हमें किस किस फॉर्म में, किस किस चीज में यूज आ सकती है। अब एयर एक ऐसी गैस है जो लिविंग थिंग्स को क्या प्रोवाइड करती है? लिविंग थिंग्स को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, राइट। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स O2 लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखते हैं, लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिलीज द वेस्ट गैस इन टू एयर। जो लिविंग थिंग्स हैं, वो जो वेस्ट थिंग्स हैं, वो भी अपनी वेस्ट थिंग्स को कहाँ पे रिलीज करते हैं? एयर में रिलीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव वाटर। अब वाटर भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट और एसेंशियल सब्सटेंस है हमारे लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। इस लिविंग अर्थ पे हर लिविंग थिंग को पानी तो चाहिए ही होता है, इट्स नेसेसिटी, राइट। तो सबको पानी किस किस पर्पसेस के लिए चाहिए होता है? ड्रिंकिंग के लिए, बेथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए। सो ये कुछ पर्पसेस हैं जिसके लिए वाटर तो चाहिए ही, राइट। आगे देखिए ये स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने एक बार पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास तीन होती है, राइट। और हम फिर से इसे और डिटेल में अगर हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? वाटर इज अवेलेबल इन थ्री स्टेट्स। थ्री स्टेट्स में पानी अवेलेबल होता है, जैसे हम पहले बोलते हैं सॉलिड, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए आइस, फिर आता है लिक्विड वाटर, एंड फिर आता है वाटर वेपर, उसे हम गैस भी बोलते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो आई होप आपको ये तीन स्टेट्स समझ आ गई है। अब देखते हैं कि ये जो है चेंज कैसे होते हैं। सबसे पहले हम ये टेबल समझेंगे। देखिए आइस को अगर आपको पानी में चेंज करना है तो मेल्टिंग के प्रोसेस से की जाती है, तो आइस मेल्टिंग वाटर। वाटर को इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं अगर आप हीट देंगे तो, ठीक है। आइस को भी अगर आप हीट देंगे तब वो पानी बनेगा। ऐसे ही अगर आपको उल्टा जा रहे हो तो वाटर वेपर से अगर आप कूल करेंगे वाटर वेपर को तो आपको वाटर मिल जाएगा। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और जब आप इस वाटर को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं तो आप अगर पानी को कूल करेंगे, उसे फ्रीज करेंगे, तो आपका आइस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये टेबल समझ आया होगा। आगे हमारे पास है वाटर साइकिल और रेन साइकिल। सो जो हमारी अर्थ है वो एक साइकिल की तरह, उसके वेदर्स, उसके जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। इट हैज बीन रिसाइकल्ड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। सनलाइट हीट्स वाटर टू चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। तो सनलाइट अपना क्या करता है? वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने में हेल्प करता है। तो मेन जो दूसरा रोल है इसके अंदर वो सनलाइट का है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही वाटर वाटर वेपर में बदलता है, सो इट दे राइज अप एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो जैसे ही पानी पे हीट लगती है तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर में चेंज होने के बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो ऊपर जाता है। ऊपर जाता है इन द सेंस क्लाउड्स के अंदर चले जाते हैं। These droplets convert into cloud. ये droplets एक बड़े से cloud में convert हो जाते हैं, ठीक है। और जब clouds बिल्कुल heavy, full हो जाते हैं, droplets भरती रहे, cloud जब बिल्कुल full हो जाते हैं तो क्या होता है? तो ये जो droplets हैं ये ground में tip-tip हो जाती हैं। And what's that tip-tip called? Yes, that's rain. Okay, so the rain water goes back into the river, seas, oceans. और जो rain water आता है
रिवर्स में, सीज में, ओशंस में वापस से चला जाता है और ये साइकिल रिपीट होती है। ये देखिए पिक्चर भी आपके लिए है, किस तरीके से सन की रेस की वजह से इवेपोरेशन हुआ, ये क्लाउड्स में जाके फिल हो गया, क्लाउड्स जब बहुत ज्यादा फिल्ड हो गए तो कंडेंसेशन से ये नीचे आ गए, जिस प्रोसेस को रेन के प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन में यहाँ पे रिवर सीज में इसका कलेक्शन हुआ, फिर से इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, कलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो एरोज हमें सिंबलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ही सर्कल है, किस तरीके से ये एक साइकिल बन चुकी है। इज इट राइट और नॉट? सो इज इट ओके और नॉट? नाउ वी हैव वेदर, ठीक है? वेदर में देखते हैं जो डे टू डे कंडीशंस होते हैं, सो द डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम इन रिलेशन टू हीट, क्लाउडीनेस, कोल्ड, रेन, विंड इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। इट कैन बी हॉट और कोल्ड, तो एक जगह का वेदर हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी रेनी समटाइम्स। इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इन एडवांस इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। तो हमें पता है, हमें वेदर फोरकास्ट मिल जाती है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाती है, तो वो किस चीज की वजह से मिल पाती है? वो हमें वेदर फोरकास्ट की वजह से, अंडरलाइन करेंगे सब, वेदर फोरकास्ट की वजह से मिल पाती है, राइट? चलिए अब देखते हैं सीजन्स। सो जब एक ही टाइप का वेदर बहुत महीनों तक रिपीट होता है तो एक सीजन में बदल जाता है, राइट? सो क्या होता है, हमारी जो इंडिया है उसके अंदर पांच टाइप के सीजन्स होते हैं, वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ सीजन्स। सबसे पहले हमारे पास है रेनी सीजन। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, बट हम एक साइंटिफिक वे में इसे रीड करेंगे। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है, रेन्स वेरी हैवीली, ठीक है? रेन्स बहुत ज्यादा एसेंशियल है क्रॉप्स के लिए, बट अगर हैवी रेन्स होंगी तो वो बाढ़ भी लेके आ सकती है, क्रॉप्स बेकार खराब भी हो सकते हैं, ठीक है? जुलाई से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन होता है और इसे हम मॉनसून सीजन भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं रेनी सीजन का दूसरा नाम मॉनसून सीजन भी होता है, राइट? इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे समर सीजन। तो समर सीजन अप्रैल से जून तक रहता है, हमें पता है ये बात। समर सीजन अकर्स इन इंडिया। इन दिस सीजन जो डेज होते हैं बहुत हॉट और लंबे लंबे दिन होते हैं और जो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स खाने का मन करता है और हम एसीज, कूलर्स, फैंस, ये सब चीजें यूज करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, ठीक है? चलिए अब आपको समर सीजन भी आई एम श्योर समझ आ गया होगा। अब देखेंगे विंटर सीजन। विंटर सीजन नवंबर से स्टार्ट होकर फरवरी तक चलता है, नवंबर टू फरवरी। इस टाइम पे बहुत ठंड होती है, कुछ कुछ जगहों पे स्नो भी हो जाती है इस सीजन में। हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को हीटेड अप रखने के लिए, और हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जो गर्म होती है, जैसे कॉफी, हॉट मिल्क, हॉट चॉकलेट, ये सब चीजें हम कंज्यूम करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट, ऑटम सीजन। ऑटम सीजन कब आता है? मॉनसून के बाद। सो द सीजन आफ्टर मॉनसून ऑटम सीजन अराइव्स, ठीक है? तो क्या होता है, इस मौसम में ना तो ज्यादा ठंड होती है ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ट्रीज से लीव्स गिरती है, ओके? नाउ स्प्रिंग सीजन। अब विंटर सीजन के बाद देखिए, मॉनसून के बाद आता है ऑटम, विंटर के बाद आता है स्प्रिंग। सो विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है। इस टाइम पे क्या होता है, वही ज्यादा ठंड भी नहीं होती, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, फ्लावर्स ब्लूम्स एंड न्यू लीव्स, नई नई पत्तियां ट्रीज पे आनी शुरू हो जाती है और बटरफ्लाईज ओवर ओवर द फ्लावर्स, तो बहुत सुंदर सा एक आपको व्यू देखने के लिए मिलता है। नाउ स्प्रिंग सीजन हर सीजन का किंग है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो स्प्रिंग सीजन इज द किंग ऑफ ऑल सीजंस, ओके? लेट्स राइट इट हियर आल्सो सो दैट वी रिमेंबर, इट इज द किंग ऑफ ऑल द सीजंस, राइट? नाउ मूविंग ऑन, राइट? सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। चलिए अब इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। Air show all the properties of a solid, liquid, gas. Yes, the process of conversion of gas to liquid. Gas से आप liquid में जा रहे हैं, उसे हम condensation बोलते हैं. Plants take in carbon dioxide. Plants अपने अंदर carbon dioxide लेती हैं और oxygen लेती हैं. ठीक है? How much of the earth's surface is covered with water? 1/4, 2/3, 3/4. ये वाला तो आप खुद करेंगे, right? Because this is a factual question. I want you to try this. Changing of water into water vapor को हम evaporation बोलते हैं, right? I hope it's clear to all. Now fill in the blanks. Moving air, जो moving air आराम से move कर रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? Moving air is called wind. Air contains dash dust and dash. Air contains क्या क्या? Air contains particles, dust and
ये वाला आप खुद से फिल करेंगे अपने होमवर्क के अंदर, थर्ड वाला ब्लैंक, ठीक है। एनिमल्स ब्रीद इन डैश एंड ब्रीद आउट डैश, एनिमल्स अंदर क्या लेते हैं, एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन और देते क्या है एनिमल्स बाहर, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस, ए बी यू एन डी ए एन टी, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ऑन द प्लैनेट, कौन से प्लैनेट पे, ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म्स कंटिन्यूअसली थ्रू डैश एंड डैश, अपने चेंज कैसे करता रहता है अपना नेचर के अंदर वाटर अपनी फॉर्म कैसे चेंज करता रहता है थ्रू डैश एंड डैश, क्या है वो दो चीजें ये आप लिखेंगे खुद से, ठीक है। हमने अभी एन में ही पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, तो ये वाला तो आप खुद लिखेंगे। Now we'll do the true and false. Oxygen is not present in the air. This is false. Oxygen to present hoti hai. Water changes its form with change in temperature. Yes, agar temperature change hoga, tabhi to water apni form bhar change kar payegi. Now weather changes every year. So weather every year change nahi hota. Weather har month, every 2 months change hota. Right? So aap iske liye false likhenge. Too much of rain can cause flood. Ye baat bilkul sach hai. Iske liye hum true likhenge. Information about the weather in advance is called weather forecast. This is also very true. ठीक है, चलिए match the following. First is rain, rainy season. So rainy season में क्या होता है? Dry ponds get filled up. Second है spring season. Spring season में क्या होता है? आप बता सकते हैं मेरे को? Blooming flowers. Yes. Winter season में क्या होता है? Snowfall होती है. Third. Next है fourth. देखेंगे आप. Fourth है summer season. Summer season में people enjoy eating ice cream. So you're right. Four here. And the fifth one is autumn season. Leaves fall from the tree. So we here we write five. Right. So I hope the exercises till here are clear. That's it for this chapter, everyone. I hope you were able to understand. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.